तो हाय गाइस, मेरा नाम मुकेश है और आप सभी का स्वागत है सीके टेकमी यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो हमारे ZenFone Max Pro M1 के अंदर इनका जो UI है, तो ये जो UI यहाँ पर लैग हो रहा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरीके की कुछ UI है, तो इस ये जो लैग हो रहा है, तो आपके में भी अगर लैग हो रहा है तो भाई कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक दो ऐप्स को यहाँ पर मतलब फास्ट तरीके से जल्दी जल्दी यहाँ पर ओपन किया, तो यहाँ पर ये लैगिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई हमारा बिल्कुल सब कुछ कंडीशन सही है, लेकिन यहाँ पर इनका जो UI है, जो होम पेज है, यहाँ पर लैग हो रहा है। यहाँ पर गूगल असिस्टेंट वगैरह और जो टाइटल बार है ऊपर का, ये सब कुछ यहाँ पर वर्क कर रहा है बिल्कुल परफेक्टली, लेकिन यहाँ पर ये जो लैगिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो यार इसका सोल्यूशन भी इस वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पर सेटिंग्स वगैरह सारा कुछ यहाँ पर ओपन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो होम स्क्रीन है, जैसे हम होम की को दबाते हैं, हमारे जो ऐप्स वगैरह रहती हैं जो होम पर ऐप हैं, वो यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं। इसका जो सोल्यूशन है वो भी इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि भाई क्विक स्टेप इज़ नॉट वर्किंग। तो यहां पर क्लोज ऐप और वेट, तो आपको यहां पर क्या करना है, क्लोज ऐप पर क्लिक कर देना है, तो आपका वैसा UI हो जाएगा। तो एक और प्रॉब्लम है कि भाई 15% से आपका जो बैटरी है वो 15% या 10% से नीचे जाता है, तो यहां पर ऑटोमेटिक लैगिंग शुरू आपका स्टार्टिंग हो जाती है। तो लैगिंग स्टार्ट हो जाती है और यहां पर कुछ आवाज़ वगैरह करने लगता है। तो इसका सोल्यूशन सिर्फ यही है कि आप सिर्फ इसको इस तरीके से मतलब चार्ज करके रख हैं, और ये जो लैगिंग है, तो भाई मतलब यहाँ परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपके पास कोई परफेक्ट सॉल्यूशन तो प्लीज़ हमें लिंक में भेजें या फिर किसी भी तरीके से वीडियो बना करके सेंड करें। तो बस ये रहे आज का वीडियो पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।